और इसके बाद हमारे आएंगे सम्मानित हमारे सुशील पहान जी को, पूर्व प्रत्याशी खूंटी विधानसभा, जिनको जुबेर अहमद जी को, चलिए जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे जुबेर अहमद जी को। असिस्टेंट रेफरी में इसलिए तमाम दर्शक को भी और खिलाड़ी भाइयों को भी आप लोग ध्यान देंगे, 15-15-30 मिनट के अंदर ही आपको जो करना है कर डालना होगा। चलिए एक बढ़िया बचाओ, लाल सागर एफसी के गोलकीपर, दोनों ही टीम और यहाँ पर गेंद चलेगी सीमा रेखा आउटलाइन के बाहर, थ्रोइंग लेंगे, बढ़िया सा किक लिया गया था लेकिन फिर से एक बार कितनों की तारीफ करे कम होगी। सुंदर सा बचाव डिफेंस का, गेंद सीधे सीमा रेखा दर्शक, सेमीफाइनल का मैच, सुंदर काफी बढ़िया, दूर से प्रयास जरूर था। बना रहे जेएनएम के खूंटी जिला अध्यक्ष सह जिला में सूत्री उपाध्यक्ष जुबेर अहमद, खूंटी जिला परिषद अध्यक्ष मौसी गुड़िया जी, प्रखंड खूंटी में सूत्री उपाध्यक्ष शंकर सिंह मुंडा जी, जिला उपाध्यक्ष मगनजीत तिरु जी, केंद्रीय सदस्य मकसूद अंसारी जी, केंद्रीय सदस्य भोलानाथ लाल जी, महिला जिला अध्यक्ष स्नेहलाल कुंडलाना, जिला संगठन सचिव उषाधान, महिला मोर्चा असगरी खातून जी, खूंटी प्रखंड बीस सूत्री सदस्य महेंद्र सिंह मुंडा जी, डेविड होमसोई, अलग तुमडना सोमातुरु, सेम्बोकल खेल प्रबंधक सह सेम्बोकल के ग्राम प्रधान नंदू मुंडा, सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करेगी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी, बहुमूल्य समय देकर हमारे इस मंच की शोभा को बढ़ाए, सेम्बोकल खूंटी के इस ऐतिहासिक फुटबॉल मंच पर पहुंचे उन सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व के शुभ अवसर पर सेम्बोकल के ऐतिहासिक माटी पर पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। Come on!
हमारे इस मेले के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष और बीस सूत्र के उपाध्यक्ष खुंटी जुबेर अहमद जी जो कि हम हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सम्मानित अतिथि आमंत्रित अतिथियों को पेच देकर सम्मानित कर रहे बारी बारी से सभी अतिथियों को पेच देकर सम्मानित करेंगे। कोशिश जरूर होगा मुकेश महली का और देखते ही देखते मध्यांतर की होशिल आधा खेल समाप्त है। स्कोरिंग में दोनों टीम बराबरी। सम्मानित करेंगे हमारे अतिथि केंद्रीय सदस्य जिला उपाध्यक्ष खुट्टी मगन मंजीत तीरू जी को, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप आएंगे और हमारे मगन मंजीत तीरू जी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुमूल्य समय देकर हमारे इस मंच की शोभा को बढ़ाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आएंगे हमारे आयोजन कमेटी के सक्रिय सदस्य पदाधिकारी छोटे भाई आएंगे, लेट नहीं करेंगे, मैच भी चल रहा है। चलिए सोध मुखिया जी को के युवा साथी से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। बहुत सारे अतिथि हमारे बीच आए हैं, सभी अतिथियों का बहुत बहुत लाल सागर एफसी वर्सेस ब्लैक डायमंड। अभी तक स्कोरिंग में दोनों टीम बराबरी का स्थान में। इस मैच का मैच रेफरी कर रहे रोहित कच्छप, असिस्टेंट कर रहे राजेंद्र कच्छप, असिस्टेंट दुलाल जी से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे और हमारे डॉक्टर हेमंत टोपनो जी को पुष्प के गुच्छे देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर हेमंत टोपनो जी को पुष्प के गुच्छे देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों को हमारे
हमारे केंद्रीय सदस्य हम महिला मोर्चा जिला सह सचिव खोटी उषा धान जी को पुष्प के गुच्छे देकर सम्मानित करेंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शंकर सिंह मुंडा जी को जो हमारे खुटी प्रखंड के अध्यक्ष खुटी शंकर सिंह मुंडा जी को सम्मानित पुष्प के गुच्छे देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अतिथि हमारे बीच और सेमीफाइनल का मैच मेसी बहुत ही बढ़िया सुंदर सिडबॉल ब्लैक डायमंड 6 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को दिए थे जर्सी नंबर 6 बेताल सुंदर मुकेश महली माइनस पास कर दिए वहां पर। तो कितनों भी तारीफ करें इस कीपर को गौर होगी बेहतरीन तालियों के साथ स्वागत किया गया कीपर का। क्या गजब का यहां पर बचाव किए थे कीपर निश्चित थे। ओह सुंदर कहां पर डालेंगे चूच कर रहे हैं गेंद इस प्रकार आउटलाइन बहुत ही अच्छा दूर से प्रयास जरूर लेकिन गेंद निश्चित 1,00,000 के हकदार बन जाएंगे। आज के विजेता टीम को 1,50,000 रुपये विजेता टीम को 1,00,000 रुपया देकर सम्मानित करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी। सुंदर सिडबॉल ब्लैक डायमंड जर्सी नंबर 23 मौका हो सकता है। ओह बिल्कुल ब्लैक डायमंड को एक अच्छा मौका मिला था लेकिन विजय श्री के ताज पहनेंगे ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। अभी तक स्कोरिंग में दोनों टीम बराबरी के स्थान में। सुंदर हवा में गेंद सिडबॉल के जरिए कोशिश जरूर था एडविन तिर्की का निशाना सही नहीं। ब्लैक डायमंड जर्सी नंबर 4 जर्सी नंबर 10 के लिए जर्सी नंबर 10 गेंद को बढ़ा दिए थे लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गोखेन ऑब्सेस करेंगे धीरे से अपने साथी खिलाड़ी को लुड़का दिए थे गेंद हवा में गेंद फिर से जर्सी नंबर 3 सभी काम करेंगे मैच रेफरी रोहित कच्छप और यहां से किक ले फिर चित्रो
पहले के टाइम को ये मौका फिर से मिलेगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। अच्छा खासा मौका था एडवेंचर की गेंद को तो रिसीव कर लिए। ओह कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक कीपर का पी अच्छी पकड़ ब्लैक डायमंड जर्सी नंबर 6 लेफ्ट छोर से गेंद को ले जाते हुए लेफ्ट फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं। लेकिन देखते ही देखते मैच रेफरी रहित कच्छप जी का फुल टाइम फिर से लाता हुआ यहां पर खेल समाप्ति की होती है।